आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो मैंने आपका लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 5x + 2y = -3। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है x + 5y = 4। ये आपको सेकेंड इक्वेशन दिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सेम पेयर चेक करना है। क्या चेक करना है बेटा? सेम पेयर, ठीक है। सबसे पहले आपको सेम पेयर चेक करना है इक्वेशन के अंदर, ठीक है। सेम पेयर चेक करोगे, अगर सेम पेयर है तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम पेयर इक्वेशन में नहीं है तो आपको सेम पेयर बनाना है, मतलब मेक सेम पेयर, मेक सेम पेयर, ठीक है। देन उसके बाद अगर अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन है तो इक्वेशन को ऐड कर दो, और अगर सेम साइन है, सेम साइन अगर होगा तो इक्वेशन को क्या करना बेटा, माइनस। ये मैंने आपको टेक्निक बताई थी, ठीक है, जो काफी इजी है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, सेम पेयर है क्या बेटा? यहां पर 5x है और यहां पर x है, सेम पेयर है क्या? नहीं। आगे चलो, यहां पर है +2y और यहां पर बेटा +5y, सेम पेयर है क्या? नहीं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप x को सेम करो या तो आप y को सेम करो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम लोग x को सेम करेंगे। अब यहां पर देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 5। तो इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा बेटा, 1। 1 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक है। सो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 5 इन इक्वेशन 2, ठीक है। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में 5 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई आपको करना है। 1 × 5x क्या हो जाएगा बेटा, 5x प्लस 1 × 2y क्या होगा बेटा, 2y = 1 × -3 क्या होगा, -3। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। देन उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 5 × 5 5 × x क्या होता है बेटा, 5x प्लस 5 × 5 जा कितना होता है, 25y = 5 × 4 जा क्या होता है, 20। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब बेटा जरा यहां पर ध्यान से देखो, सेम पेयर और दोनों का साइन भी क्या है बेटा, सेम। 5x के पहले कुछ भी नहीं मतलब प्लस होगा, 5x के पहले कुछ भी नहीं मतलब प्लस होगा। सेम पेयर सेम साइन, सेम पेयर सेम साइन, इक्वेशन को क्या करोगे बेटा, माइनस। समझ में आ रहा है? अब बेटा यहां पर ध्यान से देखो, इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस करोगे तो भी आपको वही आंसर मिलने वाला है, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो भी वही आपको आंसर मिलने वाला है। जैसे अगर मैं 4 में से माइनस करूंगा 2 को, 4 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। बड़ा नंबर 4 है तो प्लस का साइन ही आएगा, बराबर। रिवर्स करके देखो, रिवर्स करता हूं, 2 फिर -4, माइनस किसको लगा है बेटा, 2 को, तो यहां पर मैंने लगा दिया, ठीक है। इसके साथ कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 − 4 नहीं होगा, 4 में से 2 को माइनस करोगे 2 आएगा, बड़ा नंबर 4 है तो प्लस का साइन ही आ गया, ठीक है। तो यहां पर मेरे बोलने का मतलब क्या है बेटा, अगर आप इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस करोगे तो भी आपको वही आंसर मिलने वाला है, और 4 में से 3 को माइनस करोगे तो भी वही मिलने वाला है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, मैं यहां पर इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करूंगा। क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर देखो सब नंबर बड़े, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तो ईजी होगा ना, इसलिए मैं वैसा कर रहा हूं, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस कर रहा है तो वैसे भी कर सकते हो, आंसर आपको वही मिलेगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को क्या करूंगा, माइनस। तो यहां पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम
इक्वेशन फोर, फोर में से थ्री को माइनस करेंगे तो यहां पर क्या होगा बेटा, इक्वेशन फोर क्या है, फाइव एक्स प्लस 25y इज इक्वल्स टू 20। इक्वेशन थ्री क्या है बेटा, फाइव एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब माइनस करोगे तो साइन क्या होता है बेटा, चेंज। ये प्लस 5x है, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 5x। प्लस 2y का क्या हो जाएगा, माइनस 2y। माइनस 3 का क्या होगा, प्लस। समझ में आ रहा है? यहां पर प्लस 5x और माइनस 5x क्या होगा बेटा, कैंसल। 25y में से माइनस करेंगे 2y को तो 23y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3 कितना होगा, 23। मल्टीप्लाई का क्या होगा, डिवीजन। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या होगा उसके बाद, y इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 23। 23 वन जा y का वैल्यू कितना आएगा, 1। कितना आएगा बेटा, 1। अभी हमें सिर्फ y का वैल्यू मिला है, किसका वैल्यू चाहिए बेटा, x का। y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 में। देखो इजी है, इक्वेशन 2 इजी है। तो यहां पर लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? इक्वेशन 2 लिखो बेटा। इक्वेशन 2 क्या है, सिंस x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4, हमारे पास y का वैल्यू है, सो x प्लस 5 इंटू y का वैल्यू क्या है बेटा, 1 इज इक्वल्स टू 4। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। अब ये प्लस 5 इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 5। सो x इज इक्वल्स टू, पहले 4 लिखेंगे उसके बाद माइनस 5। x इज इक्वल्स टू, 4 में से 5 जाएगा क्या, नहीं। 5 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1। बड़ा नंबर 5 है तो साइन कौन सा होगा, माइनस का। तो x का वैल्यू आएगा माइनस 1। और लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना है। आंसर सॉल्यूशन इज एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू, एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, माइनस 1। माइनस 1 कोमा वाई का वैल्यू कितना है बेटा, 1। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? पक्का? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है 1 अपॉन 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 3। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है बेटा। याद रखना, जब भी इक्वेशन में फ्रैक्शन में नंबर होंगे, फ्रैक्शन में। अब यहां पर देखो 1 अपॉन 3 दिया और यहां पर क्या बेटा, 10 अपॉन 3। कभी भी याद रखना बेटा, अगर डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करोगे तो एकदम टफ हो जाएगा। तो इजी क्या होगा बेटा, ये जो नंबर फ्रैक्शन में है इसको नॉर्मल करो पहले। यहां पर देखो बेटा 1 अपॉन 3 है, अपॉन में 3 है, इसको मुझे हटाना है। इसको कैंसिल करने के लिए 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये 3 और ये 3 क्या होगा बेटा, कैंसिल। समझो 1 अपॉन 4 है, 1 अपॉन क्या है बेटा, 4। अपॉन में 4 मुझे नहीं चाहिए, अपॉन में 4 अगर मुझे नहीं चाहिए तो 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 4 और ये 4 क्या होगा बेटा, कैंसिल। समझ में आ रहा है? तो यहां पर इस फर्स्ट इक्वेशन में अपॉन में कितना है, 3। यहां पर अपॉन में कितना है बेटा, 3। तो पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो वो 3 क्या होगा बेटा, कैंसिल। ठीक है? तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 3x में प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y में इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपॉन 3 में। तो यहां पर क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 क्या होगा बेटा, कैंसिल। क्या बचेगा, जो बचा लिख दो बेटा, 1 इंटू एक्स क्या होगा बेटा, x प्लस 3 इंटू वाई क्या होगा, 3y इज इक्वल्स टू क्या बचा बेटा, 10। इसको देना है इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मैंने इसको इक्वेशन 1 नहीं दिया था। उसके बाद सिंस सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दिया बेटा, 2x प्लस 1 अपॉन 4y इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 4। अपॉन में कितना है, 4। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। ठीक है? तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x में प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 4y में इज इक्वल्स टू
4 से मल्टीप्लाई करोगे 11 अपॉन 4 में। अब यहां पर देखो ये 4 और ये 4 क्या होगा बेटा, कैंसल। ये 4 और ये 4 क्या होगा बेटा, कैंसल। 4 टू सा कितना होता है 8, फिर x, फिर प्लस यहां पर क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू यहां पर क्या बेटा 11। समझा, इसको देना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेम पेयर है क्या, यहां पर x और यहां पर 8x, यहां पर 3y और यहां पर क्या बेटा y, सेम पेयर है क्या, सेम पेयर नहीं है, सेम पेयर आपको बनाना है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, y को सेम करेंगे, किसको सेम करेंगे y को। यहां पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर कुछ भी नहीं मतलब क्या होगा 1, इक्वेशन 1 में 1 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है, y को सेम कर रहे हैं हम लोग, टेक्निक क्लियर हुआ है ना आपको। तो यहां पर अभी ध्यान से देखो बेटा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में 3 से, तो यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 3 इन इक्वेशन 2, बराबर। तो अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन चेंज होगा क्या, नहीं। तो यहां पर लिखोगे x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, इसको देना है इक्वेशन नंबर 3। देन उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करोगे 8 में, 8 3 से कितना होता है 24x। देन उसके बाद प्लस 3 इंटू वाई क्या होगा बेटा 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 11 कितना होगा 33, इसको देना है इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर देखो सेम पेयर सेम साइन, सेम पेयर सेम साइन, क्या करोगे बेटा माइनस। अब इजी क्या होगा बेटा, 3 में से 4 को माइनस करोगे तो हार्ट जाएगा। देखो यहां पर बड़े नंबर किस में बेटा 4 में, तो एक काम करो 4 में से 3 को माइनस करो, इक्वेशन 4 में से किसको माइनस करोगे 3 को, क्योंकि यहां पर देखो 24 3 33 बड़े नंबर है ना बेटा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तो इजी होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस करेंगे, तो यहां पर लिखोगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को क्या करेंगे बेटा माइनस। तो यहां पर देखो बेटा इक्वेशन 4 क्या दिया है 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33, इक्वेशन 3 क्या है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। जब भी माइनस करोगे तो एक लाइन छोड़ के फिर लाइन मारना है, बराबर। ये प्लस x का क्या हो जाएगा माइनस x, प्लस 3y का क्या हो जाएगा माइनस 3y, प्लस 10 का क्या हो जाएगा माइनस 10। समझा, प्लस 3y और माइनस 3y क्या होगा बेटा कैंसल, 24x में से माइनस करेंगे x को तो 23x इज इक्वल्स टू 33, में से माइनस करेंगे 10 को तो कितना आएगा 23, मल्टीप्लाई का क्या होगा डिवीजन, x इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 23, 23 वन जा x का वैल्यू कितना है बेटा 1। समझा, हमें सिर्फ x का वैल्यू मिला है, अब किसका वैल्यू चाहिए बेटा y का, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, इजी है ना, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहां पर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है बेटा देखो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, x का वैल्यू कितना है बेटा 1, तो x के प्लेस पे हम लोग 1 रखेंगे, 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, प्लस का क्या होगा माइनस, 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9, मल्टीप्लाई का डिवीजन, सो y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 3, 3 वन जा 3, 3 जा y का वैल्यू आएगा 3, समझ में आ रहा है। तो यहां पर x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है बेटा 3, तो फाइनल आंसर आपको लिखना है, सॉल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 3, समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको सॉल्व कर रहा था। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, ये आपको इक्वेशन 1 दिया है, और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है बेटा 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501,
ये आपको सेकेंड इक्वेशन दिया है। तो पहले जो मैंने आपको टेक्निक बताया था कि आपको सबसे पहले सेम पेयर चेक करना है, तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो सेम पेयर नहीं है, तो आपको सेम पेयर बनाना है। अगर आप यहां पर सेम पेयर बनाने जाओगे, देखो बेटा, अगर आपको x को सेम कर रहा है तो 99 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 101 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे, तो काफी लंबा हो जाएगा, बराबर, कैलकुलेशन काफी टफ हो जाएगी। तो यहां पर आपको एक चीज और देखनी है, आपको चेक करना है कि क्रॉस में नंबर सेम है कि नहीं। क्रॉस में 99 और क्रॉस में देखो 99, बराबर, 101 और क्रॉस में चेक करो बेटा 101। क्रॉस में अगर नंबर सेम है, क्रॉस में अगर नंबर सेम होगा, तो आपको क्या करना है, एक बार इक्वेशन को प्लस करना है और एक बार इक्वेशन को माइनस करना है। ये जो दोनों इक्वेशन दिया है, एक बार क्या करोगे प्लस और एक बार क्या करोगे बेटा माइनस। जब आप प्लस करोगे तो आपको न्यू इक्वेशन मिलेगा, और जब आप माइनस करोगे तो वापस से आपको एक न्यू इक्वेशन मिलेगा, और जो दोनों न्यू इक्वेशन मिलेगा उनको आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? मैंने क्या बताया बेटा, अगर क्रॉस में नंबर सेम है तो क्या करोगे, इक्वेशन को एक बार प्लस करोगे और एक बार क्या करोगे, माइनस। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग प्लस करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, दोनों को पहले प्लस करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए बेटा, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, देन उसके बाद 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, दोनों इक्वेशन को बेटा प्लस करेंगे। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, 99x और प्लस कितना है बेटा 101x, दोनों को प्लस करोगे तो 200x, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो प्लस का ही साइन आएगा यहां पर, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में ही है। 101y और 99y कितना होगा 200y, 499 और 501 कितना होगा बेटा 1000। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 200 से सब डिवाइड हो रहा है, देखो बेटा, देखो यहां पर 200 वन जा 200 वन जा 200 फाइव जा 1000 होता है, 200 से सब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो। अब क्या बचा बेटा, 1 इंटू एक्स क्या होता है बेटा x, प्लस 1 इंटू वाई क्या होगा y, इज इक्वल टू क्या है बेटा 5। इसको आपको देना है इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर क्या होगा बेटा 3, समझा। उसके बाद एक बार हमने प्लस किया तो हमें एक न्यू इक्वेशन मिल गया ना बेटा, समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे बेटा, एक बार इसी को क्या करोगे बेटा माइनस, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को क्या करेंगे माइनस। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, समझा। अब यहां पर देखो इक्वेशन वन क्या है बेटा, इक्वेशन वन है 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, उसके बाद इक्वेशन सेकेंड है बेटा 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, और जब माइनस करोगे तो साइन क्या होता है बेटा चेंज, प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का क्या होगा बेटा माइनस। 99 माइनस 101, 99 में से 101 नहीं जाएगा, 101 में से 99 करोगे तो 2x आएगा, और बड़ा नंबर देखो माइनस का है, ठीक है, 101 के साथ माइनस है इसलिए माइनस, ठीक है। ये देखो यहां पर प्लस है और यहां पर क्या है बेटा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 101 में से 99 को माइनस करोगे तो 2y बचेगा, और बड़ा नंबर देखो कौन सा है, 101 है ना बेटा, बड़ा नंबर 101 है, तो किसका साइन आएगा बेटा प्लस का, इज इक्वल्स टू 499 में से माइनस करेंगे 501 को तो नहीं जाएगा, 501 में से 499 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, बड़ा नंबर 501 है, साइन कौन सा बेटा माइनस का, नीचे वाला साइन देखना है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे 2 वन जा 2 वन जा 2 वन जा, समझा, 1 इंटू एक्स क्या बचेगा x, माइनस x आएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बेटा माइनस वन,
अब यहां पर ध्यान दो, इक्वेशन में माइनस स्टार्टिंग में नहीं होता, तो माइनस से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है बेटा? चेंज। माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। प्लस वाई का क्या होगा? माइनस वाई। माइनस वन का क्या होगा? प्लस वन। समझ में आ रहा है? इसको देना है इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर प्लस वाई और यहां पर क्या बेटा? माइनस वाई। सेम पेयर अपोजिट साइन, तो क्या करोगे? प्लस। तो यहां पर लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर। बेटा याद रखना, जब भी आप एक बार प्लस करोगे माइनस करोगे तो आपको इस तरह से इक्वेशन मिलेगा कि प्लस करने पे वो सॉल्व हो जाएगा, माइनस करने पर भी हो जाएगा। अगर आप माइनस करोगे तो एक्स कट होगा और प्लस करोगे तो वाई। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग प्लस करने वाले हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना बेटा? फाइव। और उसके बाद एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू वन, दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पर क्या होगा? प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा? कैंसल। एक्स और एक्स कितना होगा? टू एक्स इज इक्वल्स टू फाइव प्लस वन कितना होगा? सिक्स। मल्टीप्लाई का डिविजन, एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स अपॉन क्या होगा? टू। टू वन जा टू थ्री जा एक्स का वैल्यू कितना आएगा? थ्री। समझा? फिर उसके बाद x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन थ्री में, क्योंकि इजी है। आप किस में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, वन टू थ्री फोर, जो आपको अच्छा लगे। तो सबसे इजी कौन सा बेटा? थ्री। इक्वेशन थ्री में सब्सटीट्यूट करेंगे x का वैल्यू, तो यहां पर लिखोगे पुट x इक्वल्स टू थ्री इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है बेटा? थ्री। इक्वेशन थ्री क्या है लिख दो यहां पर, इक्वेशन थ्री क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? फाइव। x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू यहां पर थ्री है, थ्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू फाइव, प्लस का क्या होगा? माइनस। y इज इक्वल्स टू फाइव माइनस थ्री, वाई का वैल्यू कितना है? फाइव माइनस थ्री कितना होता है बेटा? टू। समझा? और लास्ट में आपको आंसर लिखना है, आंसर सॉल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू क्या है बेटा? थ्री, और y का वैल्यू कितना है? टू। समझ में आ रहा है? समझ में आया बेटा? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर एट आपको दिया है 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है, और सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। ये आपको सेकेंड इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, सेम पेयर है क्या यहां पर? नहीं है, ठीक है। और नंबर यहां पर बड़े हैं, क्रॉस में नंबर चेक करो, 49 49, 57 57, क्रॉस में नंबर सेम है। जब भी क्रॉस में नंबर सेम रहेगा तो इक्वेशन को एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है बेटा? माइनस। तो यहां पर लिखोगे बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो क्या होगा बेटा? 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172, और सेकेंड इक्वेशन है 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252, दोनों को प्लस करेंगे। अब बेटा ध्यान से देखो, यहां पर 49 प्लस 57 होता है 106x, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 57 और 49 कितना होता है? 106y, और बड़ा नंबर 57 है, माइनस का साइन है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। 5 प्लस 7 कितना होता है? 12, कैरी 1। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 क्या होगा बेटा? 4। अब यहां पर बेटा 106 वन जा, 106 वन जा, और 106 4 जा, 424 होता है। क्या बचेगा बेटा? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसको देना है इक्वेशन नंबर 3 देना है बेटा। 1 और 2 तो है ना हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। एक बार हमने प्लस तो किया है, एक बार क्या करोगे बेटा? माइनस। तो यहां पर लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन वन, वन में से टू को माइनस करेंगे तो इक्वेशन वन क्या है बेटा?
49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172, और इक्वेशन टू है बेटा 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होता है बेटा, चेंज होता है. प्लस का क्या होगा, माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, बराबर. 49x माइनस 57x, 49 में से 57 नहीं जाएगा, 57 में से 49 को माइनस करोगे 8x आएगा बेटा, 8x आएगा, और बड़ा नंबर 57 है, साइन कौन सा होगा, माइनस का. देन उसके बाद माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. 57 में से 49 को माइनस करोगे 8 और y, बड़ा नंबर 57 है, माइनस का साइन. इज इक्वल्स टू 172 में से माइनस करोगे 252 को, 172 में से माइनस करेंगे 252 को तो माइनस नहीं होगा, रिवर्स करना पड़ेगा. रिवर्स, 2 माइनस 2 क्या होता है बेटा, 0. 5 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, या फिर ऐसा लिख दो बेटा 252 में से माइनस करेंगे 172 को, 2 माइनस 2 क्या होगा, 0. 5 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे. 15 माइनस 7 कितना होता है, 8. 1 माइनस 1, 0. तो यहां पर 80 आया, तो यहां पर लिखेंगे बेटा 80, और बड़ा नंबर 252 है, साइन कौन सा होगा, माइनस का. 8 से सब डिवाइड हो रहा है ना, 8 वन ज़ा 8 टेन ज़ा. माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 10. स्टार्टिंग में माइनस चाहिए क्या बेटा, नहीं, साइन चेंज करो. माइनस एक्स का प्लस एक्स, माइनस वाई का प्लस वाई, माइनस 10 का प्लस 10. इसको देना है इक्वेशन नंबर 4. उसके बाद क्या करोगे, जो इक्वेशन मिला है उन दोनों को क्या कर दो, प्लस. हमेशा वही करना है, क्योंकि सेम पेयर अपोजिट साइन कंपलसरी होगा उसमें. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, दोनों को प्लस करेंगे. एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा बेटा, माइनस और प्लस क्या होगा बेटा, कैंसल. एक्स और एक्स क्या होगा, 2x. 4 प्लस 10 क्या होगा, 14. मल्टीप्लाई का डिवीजन, तो यहां पर आएगा एक्स इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 2. 2 वन ज़ा 2 सेवन ज़ा. एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 7. अभी तो सिर्फ x का वैल्यू मिला है, अब किसका चाहिए, y का. x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 में, इजी पड़ेगा. तो यहां पर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 क्या है बेटा, पहले लिख लेते हैं. इक्वेशन 4 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. इतना समझा, अच्छा x का वैल्यू कितना है, 7. 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, प्लस का क्या होगा, माइनस. y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 क्या होता है बेटा, 3. 10 माइनस 7 क्या होगा, 3. तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, समझा. और फाइनल आंसर यहां पर लिखोगे, सॉल्यूशन इज x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना है, 7, 7.3. समझा, कोई डाउट है? तो यहां पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 का बेसिक और प्रैक्टिस सेट 1.2 क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे. समझ में आ रहा है? थैंक यू. लिख लो फटाफट.